वरुण, मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है और मैंने सीसम और सीडीपीएससी ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं, और इसके अलावा कुछ साइबर सिक्योरिटी के जो टूल्स के सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे साइबर आर्क हो या कुछ इम्प्लीमेंटेशन का था, जैसे स्प्लंक है और सीए टेक्नोलॉजीज, उन सब पे भी इम्प्लीमेंटेशन और वो सारा काम किया हुआ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और समाओ मेरा हॉबी था कि पढ़ाना, तो मैंने अपना कैरियर स्टार्ट, कैरियर क्या, ये एक हॉबी स्टार्ट करी थी जब मैं C++ पढ़ाता था। मेरे यूट्यूब शैलेंद्र श्रीवास्तव पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे सब वीडियो भी हैं, आपको दिख जाएंगे। मेरा C++ की वीडियो थे, फिर मैंने ऑटोमेशन भी पढ़ाना शुरू किया था HTML++, फिर धीमे धीमे करते करते फिर मैंने क्लास 10th का फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। बाद में जब मेरा सीसम क्लियर हुआ और उसके पहले भी मेरा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट था, तो उसके भी मैं वीडियो भी बनाने लगा था। तो आजकल आई वॉज थिंकिंग कि इधर मेरे पास लिंक्डइन पे काफ़ी लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि दे हैव क्लियर, तो आई थॉट कि जब मैंने साइबर सिक्योरिटी की तैयारी करी थी तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि कैसे मेरा मतलब मैं किससे कनेक्ट करूं और कैसे गाइडेंस मिलनी चाहिए। सो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए मेरे को काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट फिर भी एक मेहनत करनी पड़ी, और मेरे को तब तक नहीं पता चल पाया था जब तक मैंने इसाका का मुंबई चैप्टर ज्वाइन नहीं किया था। मैं मुंबई से हूँ बेसिकली, तो जब ज्वाइन कर लिया फिर वहाँ पे ग्रुप बना और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से होने लगी। सो मतलब ये था मेरा शॉर्ट इसे इंट्रोडक्शन। सो आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं लिंक्डइन के अलावा, तो कुछ आप अपने बारे में अगर हम लोग कुछ बताना चाहें तो प्लीज। माय नेम इज़ वरुण दास एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. सो आई एम वर्किंग इन अर्नेस्ट एंड यंग. सो द सेम चैलेंज आई ऑल्सो फेस्ड बिकॉज व्हेन आई थॉट ऑफ डूइंग दिस कोर्स ना, सो एट टाइम्स ऑफ दिस ड्यू टू दिस पेंडेमिक नो वन लाइक दैट चैप्टर सेशंस आर नॉट हैपनिंग देयर. सो आई हैव टू डिस्कस विद ऑल दोज बिकॉज सिंस आई एम फ्रॉम अकाउंटिंग बैकग्राउंड, सो नो वन इज अवेयर ऑफ दिस सीसा कोर्स. तो मेरे को तो बहुत डिफिकल्टी हुई. देन आई कनेक्ट विद दोज गाइज थ्रू टेलीग्राम ग्रुप, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दैट कोर्स कि भाई बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल कोर्स, सो आई थॉट फर्स्ट आई हैव टू बिफोर टेकिंग मेंबरशिप और एनीथिंग डूइंग फर्दर, सो आई थॉट कि पहले थोड़ा रीड कर लेते हैं वेदर इट इज इट विल बी फॉर मी और नॉट, कि टेक्निकल है. सो आई देन आई कनेक्टेड विद दैट सेक्रेटरी ऑफ न्यू दिल्ली ब्रांच बिकॉज आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, सो दैट्स वाई. सो आई कनेक्टेड विद सेक्रेटरी ऑफ इसाका न्यू दिल्ली चैप्टर, सो ही इज ऑल्सो सी ए दैट दैट गिव मी अ कॉन्फिडेंस दैट वी ऑल्सो कैन डू दिस सीसा कोर्स. सेम सेम ओके, बैकग्राउंड के सो लोग मिल दैट्स द गए थिंग. थे ओके। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला. फिर और भी काफ़ी बंदे मिले जो सीए हैं, देन उन्होंने सीसा परस्यू किया. सिस्टम ऑडिट्स में थोड़ा इंटरेस्ट था उनका, सो तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग. मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हेमंत जोशी की. सो दिस इज माय जर्नी. सो इट टुक मी अराउंड 4 to 5 months टू कंप्लीट दिस कोर्स. और सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. आपने मतलब आपको सीसा की बात हो और हेमंत जोशी का नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा वो टैग जरूर करते हैं। कभी मेरा चांस मिला और अगर ये वीडियो देख रहे होंगे इंस्टा हेमंत जोशी, तो मैं उनसे भी एक और कभी बात करूँगा। सो आपने कौन सी बुक रिफर करी थी सीसा के लिए? ऑब्वियसली हेमंत जोशी बिकॉज मैंने पहले डीसा भी किया था जो अपना इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराता है, सी इंस्टीट्यूट. सो एट दैट टाइम ऑल्सो आई स्टडीड हिज बुक. तो मेरे को काफ़ी अपीलिंग लगी, बहुत सिंपलिस्टिक वे में कॉन्सेप्ट को ब्रीफ करा हुआ है. सो वो मेरे को, मैंने उसी बुक को देन फिर रेफर किया. एंड सीआरएम ऑल्सो एंड दैट क्वेश्चन बैंक ऑफ इसाका फॉर सीसा, दैट दीज थ्री बुक्स आई रेफर.
इसाका की सीआरएम एंड क्वेश्चन बैंक एंड हेमंग जोशी का बुक, तीन बुक आपने रेफर किया, राइट? राइट अच्छा, और लगभग कितने क्वेश्चंस आपने लगा लिए होंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? QA का अराउंड 1000 का था क्वेश्चन बैंक, आई थिंक 200 मोर क्वेश्चन फ्रॉम पीटर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, पीटर फुल नेम पीटर, ओके ठीक है, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस लगा लिए। अच्छा अच्छा, और आई मीन आपको कब ऐसा लगा कि नाउ दिस इज अ टाइम यू कैन गो अहेड फॉर द यू नो एग्जाम बुक करने का टाइम आ गया है, वैसा कब लगा कि प्रिपरेशन कब लगा कि यस नाउ आई एम गुड? सो मैंने Q&A मतलब आफ्टर गिविंग अ 3-4 टाइम रिवीजन ऑफ हेमंग दोशी बुक एंड CRM आल्सो, नॉट CRM 3-4 टाइम्स, अराउंड 2 टाइम्स, सो देन आई अटेम्प्टेड दोज Q&A क्वेश्चंस. In those Q&A questions attempt, I have accuracy of around 80%. Wow. So then I thought of appearing for exam. कि अब तो try कर सकते हैं. 80-20% है, then it's a good mark. Okay. अभी तो official result pending है. Hope so. देखते कितना score किया. नहीं है, अच्छा ही आएगा score, बहुत ही अच्छा आएगा. और मेरा इनफैक्ट जो मैंने अपना स्ट्रेटजी किया था, तो मैंने तो मेरा स्ट्रेटजी तो ऐसा हो गया था जब मैंने सीसम क्लियर किया था कि मैंने डे वन से जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन मेरे को पता था मेरे को किस दिन एग्ज़ाम देना है. मैंने हर दिन का कैलकुलेशन किया था, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं. तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने एग्ज़ाम डे कैसे सेलेक्ट किया, मतलब स्ट्रेटजी क्या थी आपकी पढ़ाई की, सीसम की, सीसा की, सॉरी. स्ट्रेटजी एक्चुअली अब तो बैलेंस बनाना होता है ना, प्रोफेशनल वर्क फिर पर्सनल, ऑफिस एंड होम दोनों. तो एक माइंड में था कि मेरे को अराउंड इतने ही रिविजन करनी है, उसके बाद ही अपीयर करूंगा. सो मतलब 4-5 टाइम्स एटलीस्ट पूरे मटेरियल को मैं रीड करूंगा, गो थ्रू करूंगा, देन जब कॉन्फिडेंस आएगा. सो जब वो हो गया और 75-80% की एक्यूरेसी, और कुछ मॉड्यूल्स में फर्स्ट 2-3 मॉड्यूल्स में तो 80% से ज्यादा भी आ रही थी एक्यूरेसी. सो दैट थॉट कि अब तो कितनी बार भी आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू अपीयर फॉर एग्जाम, तो देन आई शेड्यूल्ड इट फॉर. और आपका क्या शेड्यूल, डेली शेड्यूल क्या रहता था, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, कब पढ़ते थे, ऑफिस के बाद कैसे मैनेज किया? ऑफिस के बाद नहीं, एक्चुअली ऑफिस के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे, तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ता था. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 5 o'clock से लेके, बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम, सो सुबह के मतलब ट्रैवलिंग का टाइम सेव हो जाता है. तो मैं कम से कम 5-8:30 के अराउंड तक पढ़ता था, 8 के अराउंड. सो इफेक्टिवली अराउंड 2-2 hours ऑन अ डे, नॉट कॉन्टिन्यूसली बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट मैनेजेबल. सो तो ऐसा स्टार्ट करके करा है तू, एक्चुअली तू मतलब 2 घंटे सफिशिएंट रहता है, अगर 1 से 1.5-2 महीना भी पढ़ लिया बहुत है, 2 महीना भी, व्हाट आई थिंक कि 2 घंटे भी अगर फोकस होके पढ़ लिया तो आई थिंक मैं भी ऐसे बिलीव करता हूं. बट मेरे यह हां डेफिनेटली, बट वो होता नहीं है, मतलब कंटीन्यूअसली नहीं हो पाता. यस यस ये. और आपने एग्जाम प्रॉक्टर में दिया था या सेंटर में गए थे? आई मीन घर से दिया था या सेंटर में गया था? अच्छा अच्छा, नहीं सेंटर PSI सेंटर. सो आपने मतलब जब 5-6 बार पढ़ लिया उसके बाद आपने सोचा कि ठीक है नाउ अभी एग्ज़ाम बुक करने का टाइम आ गया, एंड देन आपने बुक किया. अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक का आपका क्या प्रिपरेशन था? आई एम टेलिंग यू वाई मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने संडे को एग्ज़ाम दिया था और मैंने फ्राइडे की नाइट से पढ़ना बंद कर दिया था. तो मैंने सैटरडे को पूरा अच्छे से सोया, मतलब फ्राइडे की नाइट सोया अच्छे से, सैटरडे रात को पूरा अच्छे सोया, और फिर संडे को फ्रेश माइंड से मैंने सुबह एग्ज़ाम दिया. तो आपका कैसा रूटीन था, आपने एग्ज़ाम से ठीक 1 या 2 दिन पहले क्या किया था? 1 दिन पहले एक्चुअली थोड़ा रिलैक्स मोड पे पड़ा था, बिकॉज कहते हैं ना ज्यादा स्ट्रेस लेने से पर्ज हो जाता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट से पढ़ा था. अच्छा, तो लेकिन आपने पढ़ाई करी थी, लास्ट डे भी पढ़ाई करी थी?
लास्ट डे पढ़ाई की थी बट बहुत ही कम, मतलब इतना नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं लिया था. आई वॉज ऑन लीव फॉर अराउंड 8 to 10 days बिफोर अपियरिंग फॉर एग्जाम. सो तो पूरा दिन था, स्टिल आई नॉट डिड नॉट मोर देन 4 or 5 hours. बहुत बहुत ही मुश्किल होता है कि टाइम है उसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर काफी ज्यादा अपने को सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी होता है उस टाइम पे. और कैसा रहा आपका फैमिली के आप बताइए. प्लीज गो अहेड. बस जस्ट एक फियर रहता ना कि बिकॉज सिंस एग्जाम फीस इज हाई एंड इफ यू फेल दैट विल बी फॉर मतलब वो पूरा लैप्स हो जाएगा. सो तो वो एक फियर रहता माइंड में बस. और विच कीप मोटिवेटिंग यू कि भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ. यस. और हाउ आर योर फैमिली, आर यू मैरिड? या आई एम मैरिड. तो फैमिली का भी बहुत सपोर्ट उसमें लगा होगा. लास्ट ईयर आई एम गॉट. वाओ ग्रेट. या डेफिनेटली डेफिनेटली. इनफैक्ट मेरी भी, आई एम आल्सो मैरिड, मेरी दो बेटियां हैं और उनके साथ मतलब इट वाज लाइक वो बुला रहे हैं कि चलो उनके साथ थोड़ा खेलें, एंटरटेन करें, बट आपको पढ़ना है. मैं ज़्यादातर ऑफिस के बाद ही मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, तो सुबह मेरे से हो नहीं पाता था, मैं उठ नहीं पाता था, बट रात में मैं काफ़ी पढ़ लेता था. तो 2 घंटे का स्ट्रेस उस टाइम पे, बच्चे भी आ रहे हैं, फैमिली भी है, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था. तो दैट्स व्हाई आई गॉट की. सो जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो कैसे लगे क्वेश्चन? इट वॉज टफ, इट वॉज मिक्स, इट वॉज ईजी, या जो एग्ज़ाम डम दे रहे थे उससे कुछ रिलेशन में कुछ मिला, मतलब कैसा रहा एग्ज़ाम? फ्रॉम डम्प एकदम क्लोजली तो नहीं था, बट हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे. अच्छा. और इनिशियली टफ क्वेश्चंस थे, देन मिड में थोड़े एवरेज क्वेश्चंस आने लगे, देन अगेन टफ क्वेश्चंस. सो मे बी वो हर एक का रहता है, मतलब हर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का रहता है कि इनिशियली थोड़ा टफ देना अपना, मतलब इवन सी इंस्टीट्यूट में भी होता है. तो तो वो था इशू. बाकी ओवरऑल हाँ, मतलब आई थिंक इफ यू हैव थरली रीड योर मटेरियल सो यू कैन क्रैक एग्जाम इजीली. और कुछ टाइम बचा था या पूरा एग्जैक्टली कंप्लीट आवर? आई थिंक इतना 4 घंटे का रहता है ना मेरे अकॉर्डिंग, तो आई थिंक हाँ 4 hours का रहता है, तो 3 hours में हो गया था मेरा कंप्लीट. अच्छा, तो 1 hour पूरा बचा हुआ था. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते भी हैं, मेरे से भी पूछा था, कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप मार्क कर देते हैं कि ठीक है बाद में देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये कि आपके कितने क्वेश्चन थे और फिर कितने आपने एक्चुअल में चेंज किए? मैंने एक्चुअली अराउंड 25 टू 30 के अराउंड फ्लैग किए थे. वाओ, मेरे साथ भी यही हुआ था. वो भी इनिशियल के क्वेश्चन. हां, इनिशियल के क्वेश्चंस ही थे मोजली, बिकॉज इनिशियल क्वेश्चंस में आप थोड़े स्केप्टिकल होते हो कि मतलब वेदर इट विल बी, मतलब थोड़ा कॉशियस रहते हो. तो हाँ वो था. और बट उसका जो ऑप्शंस को मैंने चेंज किया बाद में, अगेन जब मैंने गो थ्रू किया तो हार्डली आई थिंक 5-10 मैंने चेंज किए होंगे उनके आंसर, बट अदरवाइज वो वही सेम थे. बिल्कुल सेम स्टोरी. मेरा भी एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन था और हार्डली मैंने 3 से 5 क्वेश्चन ही चेंज किए थे. तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही होता. और फर्स्ट रिएक्शन जब आपने देखा वो पास हुआ, PASSED कैप्स लॉक में लिखा हुआ दिखा, वो क्या था, मतलब वो कैसी फीलिंग थी? बस इतना था कि जब मैंने सबमिट किया तो मेरा माइंड में यही था कि एग्जाम फीस खराब नहीं जानी चाहिए. तो जैसे ही पास देखा वो रिलीफ मिला, देन जब मैं सेंटर के बाहर आया, सो फर्स्ट आई कॉल्ड माय वाइफ दैट आई क्वालिफाइड, बिकॉज शी हैज सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी दैट यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्जाम. सो देन दिस इज जॉयफुल मोमेंट फॉर मी. सो अभी कैसा लग रहा है एग्जाम के, एग्जाम देने कितने दिन हो गए, सो अभी कुछ अब जस्ट बिकॉज
अब जस्ट इसी को परस्यू करने के लिए थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जस्ट यही है। कुछ आप जो कोई नए एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम देने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? से कि एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस यू शुड गिव एटलीस्ट 1 आवर फॉर योर रीडिंग दिस को दिस मटेरियल। सो कंटिन्यूटी रहती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड सेकेंड थिंग, अपना इंस्टीट्यूट का जो CRM है उसको एटलीस्ट एक एक दो बार तो गो थ्रू करो ही, बिकॉज इट्स अ वेरी ड्राई ड्राई सिलेबस ऑफ CRM, बट उसको एक दो बार तो रीड करना चाहिए, दो बार तो एटलीस्ट करना चाहिए, देन यू कैन रेफर अदर ऑथर्स बुक, बट CRM इज मस्ट। एंड क्वेश्चन एंड आंसर डाटाबेस इज अ मस्ट थिंग, यू हैव टू डू दिस, बिकॉज थियोरटिकल क्रैमिंग ऑफ दोज कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मतलब अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, बिकॉज मल्टीपल चॉइस जब आती है तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज चेक होता है। तो आई वुड से कि दीज आर टू मस्ट मटीरियल फॉर एनीवन हु इज थिंकिंग ऑफ कि सी सब अपीयर करना है। तो बाकी ऑथर का हर एक का अपना हो रहता है कि कुछ लाइक मोस्ट ऑफ दी जो टेक लाइक यू टेक्निकल फील्ड्स हैं, सो दे प्रेफर अदर ऑथर बुक, तो जिस पे जो भी है उनको कन्वीनियंट लगे, मतलब जो भी बेस्ट लगे, दे कैन ऑप्ट फॉर दैट, बट CRM एंड डाटाबेस इसाका इज मस्ट। आई टोटली एग्री एंड आई थिंक दैट्स ऑल वरुण, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लिंक्डइन पे थैंक मेरे साथ प्लीज़ यू। कनेक्टेड ओके, रहिएगा, और नेक्स्ट आपका, सो हैव हाँ यू स्टार्टेड ओके या प्लीज़ गो अहेड। सो आई एम सेइंग कि हैव यू स्टार्टेड टीचिंग और यू आर प्लानिंग नहीं फॉर नहीं मैं टीचिंग? आई एम ऑलरेडी टीचिंग, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरे पास जो मेरा वेबसाइट है visionandgoal.com और अपना जो यूट्यूब है शैलेंद्र श्रीवास्तव चैनल, और अभी मेरा मोबाइल ऐप भी बन गया है, वो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया गूगल प्ले पे, वो अंडर रिव्यू है, तो आई थिंक 5 से 6 दिन में वो पब्लिश होने वाला है, visionandgoal.com। सो उसके थ्रू वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं पहले। स्ट्रेटजी के बाद आई विल आस्क कि उनका कब प्लान बन रहा है, और फिर वो स्टडी फिर फाइन ट्यून करके फिर मैं पढ़ाता हूँ। अभी पहला बैच मेरा भी फिनिश हुआ है, बट इंडिविजुअल और ग्रुप बैच भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वो ऑलरेडी मेरा चल रहा है, शीशम का, केवल शीशम का है, और बाद में देखते हैं CDPSC या और जो साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन रहेगा, तो ऐसा रहेगा, फिलहाल तो शीशम का ही है। सो हाउ यू मैनेज विद दिस विद योर जॉब हाँ दिस नहीं, थिंग? उसके लिए कुछ नहीं है, रात में 8 से 9 हो या जाए। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, या सुबह 9 बजे से पहले। ज़्यादातर तो मेरे वीडियोस प्री रिकॉर्डेड रहते हैं, वो मैं शेयर कर देता हूँ, पेन ड्राइव नोट्स रहते हैं वो शेयर कर देता हूँ, और सैटरडे संडे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल डिस्कशन होता है, कई कई बार 3 3 4 4 घंटे का भी डिस्कशन चलता है, जहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं। इनफैक्ट मैं डेडिकेटली जो जहाँ पे डाउट रहता है, जैसे मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेक्टिव, ऐसे कंट्रोल्स, कुछ कंट्रोल्स हैं उस पर कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ जो उस टॉपिक पे रहता है। मान लीजिए स्किल्स क्या है, ये यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, व्हाट इज स्किल्स, व्हाट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि सीसा का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहाँ पे वो अकाउंटेबल रहेंगे, सो इसके लिए फिर ये बहुत रिपीट होते थे क्वेश्चन, तो फिर मैंने इसके लिए डेडिकेटली वीडियो ही बना दिया है। तो एज ऑफ नाउ पेन ड्राइव वीडियोस रहते हैं, और वो देने के बाद दे विल स्टडी, उसका पूरा गो थ्रू करते हैं, और जहाँ कहीं भी डाउट होता है तो एनी टाइम, वो ज़्यादातर तो यही होता है कि गूगल मीट या जूम पे हम लोग 1 घंटे का सेशन करते हैं, शाम को 8 बजे के बाद या सुबह 9 बजे से पहले, और तब तक ज़्यादातर लोग फ्री भी हो जाते हैं, ऑफिस के बाद सब फ्री हो जाते हैं, तो वो फिर रात में 9 10 10:30 तक चलता है, तो मैनेज हो जाता है। अच्छा, और सही। इसके बाद सो कैन डम्स, आई कनेक्ट यू? इसके बाद में, हाँ प्लीज़, सॉरी,
या प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, और उसके बाद काफी सारे डम्प्स भी हैं। सो शुरू में 30-30 क्वेश्चंस के डम्प्स हैं हर चैप्टर वाइज, जिसमें चार डोमेन है। सो चारों डोमेन के डम्प्स रहते हैं जो हम लोग पहले, मैं ऑलरेडी वेबसाइट पे भी पढ़ा हुआ है vizeninfo.com, बट वो लोग जाकर के प्रैक्टिस करते हैं। एंड प्रैक्टिस के बाद मैं उनसे, मतलब ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ना मैं उनसे बोलता हूँ कि आप खुद से भी एक्सपेक्ट करिए कि आपके आंसर सही होगा। उनसे एक्सपेक्टेशन केवल ये रहता है कि आपका आंसर अगर ए है एज पर यू इज करेक्ट, तो वाई ए एंड वाई बी सी एंड डी इज इनकरेक्ट, मेरे को उसका आंसर भी चाहिए होता है। और वहाँ पे पता चलता है कि उनका थॉट प्रोसेस और ईशा का थॉट प्रोसेस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो मैच कर गया तो इवन उनका आंसर गलत भी है देन दैट इज फाइन, वो फिर थॉट प्रोसेस डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वही काम आता है, थॉट प्रोसेस ही बचाता है। सो वो धीमे धीमे डेवलप करते हैं, 30 क्वेश्चन, फिर 50 क्वेश्चन, फिर 120 क्वेश्चन। और टारगेट मैं 150 नहीं रखता हूँ, मैं 200 क्वेश्चन रखता हूँ, 4 घंटे में 200 क्वेश्चन। इनफैक्ट यही मैंने भी फॉलो किया था। इनफैक्ट मेरे साथ तो एक ये मतलब बहुत ही स्वीट सी गलती हुई थी मेरे साथ, कि मेरे को एग्ज़ाम के 2 दिन पहले समहाउ मेरे को यही लगता था कि 200 क्वेश्चन आते हैं। मैं पता नहीं क्यों समहाउ मेरे अनकॉन्शियस माइंड में था, मैंने पढ़ा भी कई बार कि 150 क्वेश्चन होते हैं, बट पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में था कि 200 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सारी तैयारी 4 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की थी। फिर मैंने इसाका मुंबई प्रॉक्टर थे मिस्टर अय्यर सर, मैंने उनको मैसेज डाला कि सर ये सुनने में आ रहा 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा नो इज नॉट 150 आने वाला है, ये ऐसा ही है फ्रॉम द डे वन। तो फिर मैंने कहा अच्छा 150 क्वेश्चन है। अब वहाँ पे मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि मेरा 4 घंटे में 200 क्वेश्चन में भी मैं टाइम बच रहा था। तो अभी 150 में तो मैं एग्ज़ाम टाइम में पूरी रिलैक्स था कि मेरा टाइम इससे ज़्यादा तो होने ही वाला नहीं है, क्योंकि मैंने वो पेस पकड़ लिया है कि मेरा आराम से 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टाइम को लेके मेरे को कभी भी चिंता नहीं हुई मेरी एक स्वीट गलती की वजह से। और एग्ज़ाम टाइम में मेरे पास करीब 45 मिनट्स बच गए थे, और जैसे मैंने बताया 25 क्वेश्चन मेरे जो मैंने टिक लगाया था रिव्यू के लिए, और जिसमें से 3 ही 4 क्वेश्चन मैंने किए, और फिर भी मैंने 10 मिनट पहले ही सबमिट किया था, मैंने प्रॉक्टर दिया था और 10 मिनट पहले मैंने बंद किया था। और बस यही लग रहा था कि कहीं बंद करते सबमिट करते समय अगर कुछ इशू ना आ जाए तो मेरे को रीसबमिट करना पड़े, तो वो मैंने 4 घंटे के अंदर ही देने के लिए सोचा था। सो वो मैंने 10 मिनट पहले सबमिट किया जैसे। सो मेरा तैयारी ऐसे था। सो एज आई एम सेइंग कि पहले 30 क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ, कंसेप्ट डेवलप करते हैं, फिर 30, 60, फिर 120, 150, फिर सीधा 200, फिर एक बार ही कंसेप्ट डेवलप हो गया, फिर सीधा 200, 200, 200 ऐसे क्वेश्चन हमें लगाते रहते हैं। हाँ आप बताइए कुछ कह रहे थे। Yes, मैं कह रहा था कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं तो कैन आई कनेक्ट विद यू एनी टाइम, प्रैक्टिकल या आपको कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ सीसम क्लियर। आप सीसा अभी आप देख रहे हैं ना एग्जाम देने के लिए सीसम? सीसम राइट अभी तो नहीं, अच्छा बट मे बी या श्योर एनी टाइम। अगर इनफैक्ट अदर देन सीसम अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में भी कहीं पर भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर, नहीं तो फिर आई विल ट्राई माई कनेक्ट, जितने भी कनेक्शन हैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू द आंसर। थैंक्स, थैंक्स सो मच। थैंक यू वरुण। ठीक है वरुण, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। And okay, yeah, nice bye-bye. Talking to you. Yeah, same here. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.